केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भय की राजनीति को हवा देने में योगदान दिया है। कांग्रेस पार्टी हो चाहे सपा हो बसपा, इन सब में सबने बराबर माइनॉरिटी अल्पसंख्यकों के अंदर भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। भाजपा का भय दिखाया जाता है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबका साथ सबका विकास। यह उद्घोष यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। जाति पंथ मजहब अथवा के आधार पर हम इंसान और इंसान के बीच दूरी नहीं बढ़ाना चाहते, नफरत भी नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन बराबर कोशिश हो रही है। और सारी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी ने की है, लेकिन आपने देखा दुनिया के 57 देशों का एक इस्लामिक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 50 वर्षों तक भारत के किसी प्रतिनिधि को कभी भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो दुनिया के 57 इस्लामिक कंट्रीज का संगठन है, उसमें कभी आमंत्रित नहीं किया गया। एक बार फखरुद्दीन अली अहमद साहब को आमंत्रित किया था, बैरंग उन्हें वापस होना पड़ा था। पहली बार भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो धारणा बनी है, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में जो धारणा बनी है, पहली बार ओआईसी ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने, पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को सम्मान गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया बैरो भाइयों, और हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उसमें भाग लिया। यह भारत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जगत में धारणा बन चुकी है।